के ढेर में तब्दील हुआ सरकारी अस्पताल। एक तरफ तो सरकार साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सरकार को ठेंगा दिखाने में लगे हुए हैं। मामला ब्लॉक भिलारी के ग्राम रेहटा माफी में बना सरकारी अस्पताल कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। सरकार ने यह अस्पताल कई लाख रुपए खर्च कर इस उद्देश्य से बनाया कि ग्रामीणों को इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ग्राम आज रेहटा माफी का सरकारी अस्पताल कूड़े के घर में कर कर रह गया है, जिनको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा प्रदर्शन किया। गांव निवासी भारत सिंह रोहतास, संजय विषम सिंह, जीवन नसीर उल हसन ने बताया कि सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए अब से लगभग 12 वर्ष पहले गांव में अस्पताल का निर्णय किया था। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण अस्पताल में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं आया, जिसके चलते सरकारी अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। जब बेकार हो गए इसमें। सर क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर सिंह नाम है सर। कौन सा गांव रहते हैं? रेहटा माफी। सर ये जो अस्पताल है, यहाँ पे तमाम गंदगी कूड़ी करकट पड़ी है और ये जो अस्पताल जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या कहना चाहोगे सर इसमें? सर इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये अस्पताल बना है इसमें कोई भी डॉक्टरनी नहीं आई है। जब ये इस तरह से ऐसे मतलब खाली पड़ा था तो इसमें ये आदमी ने काफ़ी समय के बाद जो है ये कूड़ा करकट गंदगी इसमें ये होनी शुरू हो गई है। अगर इसमें डॉक्टर लोग या डॉक्टरनी बैठती तो ये नौबत नहीं आती इसकी। सर अब ये अगर इसकी और ये बनता है द्वारा था वैसा तो इसमें डॉक्टर इसमें बैठेंगे तो ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी इसकी। फिर मतलब बीमार होते हो आप लोग तो दवाई लेने कहाँ जाते हो? हम डिलारी जाते हैं, दूर बहुत है सर। डिलारी कितनी दूर पड़ता है? डिलारी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है। कितनी आबादी है गांव की? यहाँ 8-9 हज़ार के आसपास आबादी इस गांव की। अच्छा, जैसे डेंगू वगैरह कुछ मलेरिया वगैरह यहाँ पे कुछ मरीज इस तरह से पाए जाते हैं? हाँ खूब खूब है सर। है हाँ, अब जब गंदगी होगी सर, आप यहाँ गंदगी देख रहे हो कितनी है, तो डेंगू तो आना अनिवार्य है। यहाँ आप देख रहे हो कितनी गंदगी है। कोई अधिकारी वगैरह यहाँ आया किसी देखने के लिए? सर आते हैं और यहाँ देख के जब उन्हें मतलब थोड़ा बहुत मतलब पैसे या कुछ वो मिल जाते हैं तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। ये सर वो काफी समय से यहाँ ऐसी पड़ा हुआ है। सर उन्हें पैसा मिल जाता है काफी खाने के लिए तो वो इस पर क्यों ध्यान देंगे? उनका तो पेट भर जाता है पैसों से।